हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं ब्लैकपूल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएन रामाचंद्रन के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि नीट में 10 यूनिट हैं, जिसमें 5 11th की और 5 12th की, और हर यूनिट में एक साइंटिस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, जिससे कभी कभी 11th या 12th में ज़्यादातर नीट में पूछा जाता है, जो कि पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी बेस्ड हमें पढ़ना है। जीएन रामाचंद्रन की बात करें तो ये सेल यूनिट में है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे और बाद में इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी डिस्कस करेंगे, और ये सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से बता रहा हूँ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं। जी एन रामाचंद्रन की बात करें तो इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जीन रामाचंद्रन ने बताया था। इसके अलावा ये फाउंडर हैं मद्रास स्कूल ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ पॉलीमर्स के। इसके अलावा कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कोलेजन का है, वो 1954 में इन्होंने बताया नेचर नाम की मैगजीन में। और ये जो इनने काम किया, ये रामाचंद्रन प्लॉट टेक्निक की मदद से किया है इनने काम। 8 नवंबर 1922 में कोलचिन नाम की जगह के आसपास ही इनका जन्म हुआ था, जो कि साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के नज़दीक है। इनके जो पिता थे वो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, और इसी की वजह से रामाचंद्रन का भी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में पड़ा। और फिर इन्होंने रामाचंद्रन ने 1942 पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कोर्स से की डिग्री ली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, और फिर इनने पीएचडी की डिग्री ऑप्टेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949। कैम्ब्रिज की बात करें तो फिर रामाचंद्रन की मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई, जहाँ पे लाइनस पॉलिंग अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे थे कोलेजन के, और इसी वजह से जीन रामाचंद्रन इन्फ्लुएंस हुए लाइनस पॉलिंग से। जीन रामाचंद्रन की बात करें तो 78 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि रामाचंद्रन की मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई और वो उनसे डीपली इन्फ्लुएंस्ड हुए, क्योंकि लाइनस पॉलिंग काम कर रहे थे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हुई। फिर दूसरी बात, 1949 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उन्होंने जो अपना काम है, कौन सा काम था इनका, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो उन्हें नेचर नाम की मैगजीन पे पब्लिश किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नेचर एक मैगजीन है, 1954 में। और जिस टेक्निक का इन्हें यूज़ किया था वो था रामाचंद्रन प्लॉट टेक्निक।